आज हम अपने अवामी रबते का जो सिलसिला है उसके चलते तापर पाइन आए थे और यहाँ के काफी सारे नौजवान और बुजुर्ग एक जगह जमा हुए थे जिनसे हमारी आज यहाँ पे बातचीत हुई। बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ का आवाम भी पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम की तरह इस चीज के हक में है कि हम सब एक हो जाएं और हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो इज्जत नफ्स का मामला है उसकी जद्दोजहद में हम एक होकर काम करें। और खुसूसन जो यहाँ के मसाइल हैं, एक तो ये कि हमें एक होना है और उसके लिए काम करना है, दूसरा ये जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं एरिया रिलेटेड, चाहे वो यहाँ जो फ्लड चैनल बनने का उस पर जो काम होने का सिलसिला था वो रुक चुका है, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खस्ता है, और जो एक अवामी मसला है पूरे जम्मू कश्मीर में कि नौजवान जाए तो जाए कहाँ। इन सब मामलों में हमारी बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के इन सारे नौजवानों का, बुजुर्गों का, कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हमने एक दूसरे से बात की और इस चीज का वादा किया एक दूसरे के साथ कि हम एक होके अपने इन सारे मसाइल के लिए, इनके अजाले के लिए काम करेंगे, आवाज उठाएंगे और आने वाले दिनों में उस यूनिटी और यकजहती को मजबूत करेंगे जो हमारे मसाइल के अजाले के लिए सिर्फ एक वाहिद रास्ता है। इसलिए मैं आज हम लोग ककड़थल आए थे और बहुत मशहूर हूँ मैं यहाँ के लोगों का, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमारा न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि हमारे साथ बैठ के तबादला ख्याल भी किया। हमने ये सब आपस में जो डिस्कशन हुआ, जो बातें हुई, उसमें फोकस ये रहा कि इस वक्त किन मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ हम झेल रहे हैं, किस तरह हमारे इज्जत नफ्स, हमारे तशख्स और हमारे जो हुकूक हैं उन पे डाका डालने की कोशिश की गई और किस तरह से हम सबको एक होकर इन ताकतों का मुकाबला करना है। जहां बीजेपी आरएसएस अपना एक एजेंडा चलाना चाहती है, कहीं अपने नाम पे, कहीं अपनी प्रॉक्सीज के नाम पे, तो उसके खिलाफ हम कैसे सपारा हों, हम कैसे एक होके उनके मुकाबले में खड़े हों और अपने हुकूक की जद्दोजहद में किस तरह भरपूर रोल निभाएं। बहुत खुशी का मौका मेरे लिए इसलिए भी रहा कि यहाँ जितने हजरात से हमारी बात हुई वो सब के सब इस चीज के कायल हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं, ये सब के सब लोग उस जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं और उनके हाथ और मजबूत करने के लिए हम आतन रेडी हैं।